प्रधान जी जो हैं हम लोगों के गुरु जी हैं, वो तो रियल लाइफ में तो संभव नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोलें, लेकिन सिनेमा में कहानी जो होता है, स्क्रिप्ट पहले हम लोग को मिल चुकी होती है, तो करने में बड़ा मज़ा आता है उनके खिलाफ साजिश करने में, क्योंकि हमें हमको भी तो चाहिए, हम लोगों को भी तो चाहिए सत्ता, हम लोगों को भी प्रधान होना है, जी उप जी प्रधान होना है, तो हम कोशिश में लगे हुए हैं, जो माधव है वो कोशिश में लगा हुआ है कि उप प्रधान तो हम ही बनेंगे, तो विनोद अलग लगा हुआ है, तो बहुत कुछ अभी आगे के सीजन में खुलने वाला है। बकरी ढूंढने में कितना वक्त लगा था सीसीटीवी कैमरा में? 6 घंटा का फुटेज हमने देखा है, उसके बाद बकरी मिली है। आप लोग कितने कप चाय पी जाते थे जब भूषण जी के साथ रहते थे आप विनोद? सेकंड सीजन में एक सीन है जिसमें हम बकरी लेके आते हैं, तो वो भारी बकरी थी, 40 केजी की बकरी थी वो जी। तो उसको ऐसे लेके आना था, अब समझ में आता है उसको कंधे पे ले तो थोड़ा कम लोड होता है, ऐसे लेके आना था और गेट से एंट्री लेता हुआ तो मेरा हाथ दर्द देने लगता था और 1-2 टेक में वो बकरी बेचारी गिर गई थी मेरे हाथ से। तो आपका कितने दोस्त थे पंचायत में? 3 हम लोग दोस्त हुए, एक तो भूषण भाई हुए, माधव और विनोद, 3 दोस्त हैं हम लोग। अभी तो आप लोग जेल में हैं दोनों तो थाने में बंद पड़े हुए। अच्छा, इसका शूटिंग अभी चल रहा है क्या? आप द पंचायत वेब सीरीज देखे होंगे जरूर, और जो माधव का रोल कर रहे थे बुल्लू कुमार हमारे साथ हैं, जो भूषण का दोस्त हैं, और हम आज पटना में हैं और पटना में बुल्लू कुमार जी आए हुए हैं, हम इनसे आपको बात करवाते हैं। कैसे हैं पहले आपको? बहुत बढ़िया है, थैंक यू। बिहारी घर हुआ आपका? जी, नवादा। नवादा जिला से हैं? हाँ। कैसा लग रहा है बिहार में? बिहार तो हमेशा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है बिहार, शुरू से मैं ज़्यादातर बिहार रहा हूँ, 15 साल यहीं थिएटर भी किए हैं जी जी पटना जी में ही। तो क्या सफ़र रही द पंचायत में, कैसे कैसे जाना हुआ? पंचायत सीरीज जब पहली आ गई थी तो सेकंड सीजन के टाइम में हम मुंबई थे, सेकंड सीजन का ऑडिशन चल रहा था और मुझे पता चला और मैंने ऑडिशन दिया और उसका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन हो गया? हाँ। कैसे कैसे मतलब सफ़र रही? सफ़र तो काफ़ी ये रहा, धूप छांव बहुत रहे जी, बहुत संघर्ष रहा, क्योंकि एक्टिंग फील्ड में संघर्ष तो हो जाता है। हाँ। बहुत दुरुह कार्य है एक एक्टर को स्वीकारता मिलना, कि सोसाइटी या इंडस्ट्री स्वीकार करे कि आप एक्टर हैं जी, तो थोड़ा मुश्किल तो था ही, थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल था। हाँ। लेकिन ठीक है, अब ठीक है, अब दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना साल का संघर्ष था? मुझे सर 2005 में हमने शुरू किया था विधिवत थिएटर यहाँ पटना में, 2005 से यदि जोड़ें तो 24 आ गया, तो 17-18 साल हो गया, 18 साल हो गया संघर्ष करते हुए, काम करते हुए, कोशिश करते रहे, रेगुलर काम करते रहे, ढूंढते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, सब झेलते रहे, क्योंकि आर्थिक परेशानी भी आती ही है जी, जी, आपको फैमिली और ये सब का प्रेशर, वो सबको बर्दाश्त करते रहे कि किसी तरीके से समय गुजरे, वो जो कठिन समय होता है, फिर आगे फिर चमकता हुआ सूरज मिला पंचायत के रूप में। अच्छा, एक पंचायत का कोई एक जो सीन याद हो आप उस समय बताना चाहेंगे? शूट के टाइम में? हाँ? शूट के टाइम में वो सेकंड सीजन में एक सीन है जिसमें हम बकरी लेके आते हैं तो वो भारी बकरी थी, 40 केजी की बकरी थी वो जी, तो उसको ऐसे लेके आना था, अब समझ में आता है उसको कंधे पे ले तो थोड़ा कम लोड होता है, ऐसे लेके आना था और गेट से एंट्री लेता हुआ तो मेरा हाथ दर्द देने लगता था और 1-2 टेक में वो बकरी बेचारी गिर गई थी मेरे हाथ से। तो उस समय वो बड़ा इंटरेस्टिंग, बकरी आप ही कहरा गया था। हाँ, सीसीटीवी कैमरा में सचिव साहब के ऑफिस में आए थे देखने के लिए आए थे जी जी। अच्छा जी। तो आपका कितने दोस्त थे मेरे पंचायत में? हाँ, पंचायत में 3 हम लोग दोस्त हुए, एक तो भूषण भाई हुए, माधव और विनोद, 3 दोस्त हैं हम लोग। हाँ। तो अभी उसी पे चल रहे हैं हम लोग, अभी तक तो 3 ही दोस्त हैं जी जी, आगे सीजन में यदि दोस्त बढ़े तो ठीक है। अभी तो आप लोग जेल में हैं दोनों तो थाने में बंद पड़े हुए। अच्छा, इसका शूटिंग अभी चल रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं चल रहा है। हाँ। राइटिंग चल रही है और जल्द ही शूट होगी उम्मीद है। भूषण कहाँ रहते हैं? भूषण भी मुंबई ही रहते हैं। वो कहाँ के हैं? वो दरभंगा से हैं। बिहार से ही है भूषण? वो भी बिहार से। और ये विकास? विकास है शायद जंदाहा से, वो बिहार से ही है। वो भी बिहार से। मैक्सिमम लोग उसमें बिहार से? बिहार से ही है। मैक्सिमम एक्टर में दुर्गेश हो गए, अशोक पाठक हो गए जो विनोद हैं। हाँ। हम हो गए, चंदन हो गए। हाँ। और अभी एक नया करेक्टर आया है जगमोहन, वो आरा से है। हाँ। विशाल यादव, वो भी बिहार से है। और अभी तक तो मुझे इतना ही याद है।
बिहार। अच्छा, जब पंकज झा हैं, पंकज झा विधायक जी जो हैं वो भी यहीं से। अच्छा अच्छा, जब लोग पसंद करने लगे हैं आपकी जो वेब सीरीज आई थी पंचायत, तो कितना खुशी मिली? अरे बहुत खुशी मिली, जब लोग पसंद करने लगे, काम को सराहना मिलने लगी, तो मतलब ऑब्वियस ही बात है कि इतने सालों का संघर्ष का मतलब फल मिलता हुआ दिखने लगा और मिल रहा है, तो गदगद है, मन गदगद है पंचायत करके। बहुत लोग पहचानने लगे, पब्लिक पहचान जाती है बीच बीच में, कहीं घूम रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो बड़ा सुकून देता है। मतलब यही तो एक उद्देश्य था जिसके लिए इतने दिन से भाग रहे, इतने सारा कष्ट उठाए हैं, जो अब सफल होता हुआ महसूस होता है। अच्छा, जब आप वेब सीरीज में षड्यंत्र रचते थे, आप भूषण और एक विनोद, तो उस समय कैसा फील होता था? काफ़ी उस समय जब कैरेक्टर में होते और कॉस्ट्यूम जब चढ़ जाता है, मेकअप हो जाता है, तो उस समय हम लोग कैरेक्टर में होते हैं, हम लोग आनंद ले रहे होते हैं, ये सारा कांड करने का और रचने का जितना होता है उसका आनंद ले रहे होते हैं, बहुत मजा आता है। बहुत सोचिए आप कोई और कैरेक्टर बन करके, यदि आप घूमे, कभी आप ऐसा किए हैं क्या, वो करिए तो बहुत मजा आता है ना। तो हम लोगों को भी करने में बहुत मजा आता है, किसी और कैरेक्टर में आप जाते हैं, उसके उसमें घुसते हैं, टाइम ले करके उसकी सारी चीज़ें डालते हैं अपने कैरेक्टर अपने में, तो वो बहुत आनंददायक क्षण होता है, बड़ा मज़ेदार क्षण होता है वो। अच्छा, जो प्रधान जी के खिलाफ आप लोग षड्यंत्र रचते हैं, सक्सेस तो नहीं होते हैं शायद, आके जा करके जो स्क्रिप्ट होगा उसमें आप लोग सक्सेस होंगे, तो काफ़ी कैसा लग रहा था उस वक्त? प्रधान जी जो हैं हम लोगों के गुरु जी हैं वो, रघुवीर यादव, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत खुले दिल के आदमी हैं, तो रियल लाइफ में तो संभव नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोलें, संभव कैसे बोल सकते हैं, वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और इतने दिल से भी बहुत अच्छे हैं आदमी हैं वो। लेकिन सिनेमा में कहानी जो होता है, स्क्रिप्ट पहले हम लोग को मिल चुकी होती है, तो करने में बड़ा मज़ा आता है उनके खिलाफ सदर प्रदर्शन, ये साजिश करने में, क्योंकि हमें हमको भी तो चाहिए, हम लोगों को भी तो चाहिए सत्ता, हम लोगों को भी प्रधान होना है, उप प्रधान होना है, तो उसके लिए जो हो सके वो करेंगे। प्रधान भूषण जी के वाइफ को आप लोग प्रधान बनाने वाले हैं, प्रधान बनाने वाले हैं, हम कोशिश में लगे हुए हैं, जो माधव है कोशिश में लगा हुआ है कि उप प्रधान तो हम ही बनेंगे, तो विनोद अलग लगा हुआ है, तो बहुत कुछ अभी आगे के सीजन में खुलने वाला है, बहुत कुछ। अच्छा, जो आपके सचिव जी हैं उन, वो कहाँ से हैं? मेरे सचिव जी शायद राजस्थान से हैं, अलवर से। अलवर से हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार है। अच्छा, तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इस वेब सीरीज। हाँ, पूरे यूनिट ही, इतने दो सीजन तो हम तीन तीन लोग सीजन शूट कर चुके हैं, तो पूरी फैमिली जैसी हो गई है, हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कब फिर से मिलेंगे, रीडिंग पे मिलते हैं तो उसका भी इंतज़ार रहता है, फिर शूट पे मिलने का एक इंतज़ार होता है कि मज़ा आने वाला है। तो ये शूट यूपी में ही हुआ था? नहीं नहीं, एमपी में हुआ है, एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सीहोर जिला है, वहाँ शूट होता है ये। अच्छा, महोडिया पंचायत है, जो ओरिजिनल पंचायत का नाम है उसका नाम है महोडिया, जहाँ ये शूट होता है। अच्छा, तो जो आपके प्रधान जी हैं अभी फिलहाल, तो उनके साथ काम करने में कैसा लग रहा है? क्यों इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने में निश्चय ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है। नीना गुप्ता हैं, या क्रांति देवी जो हैं, सुनीता राजवार, ये लोग सीनियर कलाकार हैं, जीतू जी हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश एक्टर इंडस्ट्री में, तो बहुत पंकज झा हैं, तो सब लोग, विनोद हैं जो अशोक पाठक हैं, तो बहुत मज़ा आता है करने में, बहुत बहुत मज़ा आता है, ये चाहता ही है, हर एक्टर चाहता है कि ऐसा मौका मिले। बकरी ढूंढने में कितना वक्त लगा था सीसीटीवी कैमरा में? 6 घंटा का फुटेज हमने देखा है, उसके बाद बकरी मिली है। 6 घंटा का फुटेज किधर निकल गया था? किधर नहीं, पूरा तरफ खेत में निकल गई थी, ये मेरा डायलॉग है, मिलने के बाद पूछते हैं कहाँ मिली, पूरा तरफ खेत में निकल गई थी लेकिन मिल गया था। मिल गई थी बकरी। चलिए, बात करने में अच्छा लगा। बिहार के लोग को क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप बिहार से हैं? बिहार के लोगों को यही कहेंगे कि देखते रहिए पंचायत, देखते रहिए मुझे, देखते रहिए और खुश रहिए और बिंदास रहें, और बहुत लोड ना लें दिमाग पे, टेंशन ना लें, पैसों के लिए ज़्यादा मारा मारी ना करें, जीवन 10 रुपये में भी खुश रहा जा सकता है, 100 रुपये में भी खुश रहा जा सकता है। अच्छा, आप लोग कितने कप चाय पी जाते थे जब भूषण जी के साथ रहते थे आप, विनोद? अच्छा, वो जो शूट में होता है उतना ही कप चाय पीते हैं, वैसे तो हम ज़्यादा चाय नहीं पीते, कभी कभी ले लिए तो ले लिए, नहीं तो शूट में होते हैं तो 2-3 कप तो पी ही जाते हैं, 1 टेक 2 टेक 3 टेक होते होते। तो ये चाय का पैसा कौन देते थे, वो आपके भूषण?
ये प्रोडक्शन ही देता है। चलिए, बातचीत करने में बहुत बढ़िया लगा। तो ये बुल्लू कुमार है और माधव का रोल यही निभा रहे थे पंचायत वेब सीरीज में। बहुत अच्छे आदमी हैं और बिहार से ही हैं। बहरहाल, हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।